आज के सत्र में मुख्य बात ये रही है कि किसानों के गुस्से के सामने सरकार जो है ना जवाब नहीं दे रही और किसे कृषि मंत्री को इस्तीफा दे करके भागना पड़ा और यही दृश्य जो है आने वाले टाइम में आपको केंद्र सरकार में देखने को मिलेगा। किसान मजदूर एकता, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, स्वीकार करो, स्वीकार करो। हमारा नाम बलदेव सिंह है और बीके जो एकता सिद्धू पर जिला बठिंडा के प्रेजिडेंट है। सो आज जो पार्लियामेंट चलेगा किसानों का और सरकार के पैनल मेन साडा फोकस के जिहड़ी सरकारी मंडी दे पैनल मंडी सरकार मतलब ले आई ये फोकस ज़्यादा उस पर सी और जिसते हर साढ़े एम पी मैंबर साहबान ने उत्ते चर्चा की है और चर्चा दौरान जो साढ़े खेती मंत्री है उस खेती मंत्री नूं साढ़े किसी भी मैंबर का जिहड़े सवाल किए उसका जवाब नहीं आया। आखिरकार साढ़े खेती मंत्री नूं अस्तीफा देना पिया और अस्तीफा दे के किसानों च बैठना पिया, उन्हें अपना जो गलती सी वो मान ली, जिस करके बहुत बढ़िया जिहड़ा साडा किसानों का पार्लीमेंट है जिहड़ा चलेगा। और मैं ये कहना चाहना कि जो सरकार अपना सैशन चला रही है पर उस सैशन दे विच साडे सारे सूबे दे विचों जे दो दो किसान भी उस दे विच बहावे और किसान अपनी पूरी उठे गल रखे तो जिन्ने साडे भावें वह मौजूदा सरकार दे एम पी है भावें उन्होंने विरोधी एम पी है साढ़े किसानों की गलते उन्होंने मोहर लाउणी पै सकती पैनी सी पर वो गल्लां साढ़े किसानों नूं उसे ले जाना नहीं चाहते, जिस करके असी बराबर लिया के असी साबित करना चाहते सी और साबित करिया कि जिहड़े कह रहे सीगे कि किसान अनपढ़ है, किसान नूं पता नहीं, सरकार चलाउण दा पता नहीं और सरकार कर की रहा उहदा पता नहीं। असी बकायदा भावें सानू 8 महीने अंदोलन करदियां हो गए, असी सरकार नू पहला तो बिलों के उत्ते घेर के मनाया, कली कली गल ते मनाया, सरकार मनी है जिहड़ी कि बकायदा इहदे च गलती है, इहदे च गलती है, इहदे च गलती है और सारिया गलतियां मना के सरकार कह रही है कि असी सोधा कर देने और यही अज सरकार भावें साढ़े जिन्ने दिन सैशन चलना है बराबर साडा किसान सैशन चलना है और सरकार नूं लास्ट दे विच मना के जावांगे किसानां दा सैशन है जिहड़ा बहुत पूरा अमन वधिया तरीके दे नाल वधिया डिसिप्लिन दे विच जिहड़ा सैशन चलिया है। सरकार दा जिहड़ा सैशन है साथों कमजोर ते घटिया सैशन चलूगा ये भी सिद्ध करके जावां। सभी दुनिया ही जानती है कि ये अब इनका एक डायलॉग बना लिया था कि मोदी है तो मुमकिन है तो इन्होंने अपना ये बना लिया है कि नहीं कि वापस नहीं होंगे। आप सोचिए कि अगर कोई भी पंचायत होती है या कोई प्रोटेस्ट होता है उसमें कंडीशन नहीं लगाई जाती, वो अगर बुलाते हैं तो आप आइए, ये होता है, ये नहीं कि कानून वापस नहीं होंगे, अगर आइए तो फिर हम वहाँ पर क्या जलपान करने के लिए जाना है क्या? जिस बात के लिए आज 8 महीने से यहाँ पर किसान बैठा है, 750 शहीदियाँ दे चुका है और उसको आज ये कहें कि वो ये तो काम नहीं होगा और बाकी तुम आ जाइए तो फिर किस लिए आना है? हमें ठीक है बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रजातंत्र देश है, इसमें हम जो सिस्टम से है वो उस तरह हमारी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आगे जारी रहेगा और ये निश्चय ही सरकार को ये मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आई ये जो संसद है आपने देखा होगा कि जिनको ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, उग्रवादी है या माओवादी है, जो जो कुछ निकली एक मंत्री ने आपके सामने क्या क्या शब्द बोले हैं वो शब्द दोहराए नहीं जा सकते। तो आज आपने देखा होगा एक गाँव से उठ के आया हुआ किसान अपने मुद्दों को कैसे आवाज़ उसको बुलंद कर रहा है, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये दुखी किसान जो है उसको अवधार से नहीं निकाल रहा है। और अगर वो कहते हैं कि ये किसान ही नहीं है तो फिर तो इस सरकार की इससे ज़्यादा बड़ी फेलियर क्या हो सकती है कि वो उग्रवादियों से बात कर रही है, 11 दौर की बातें कर रहे हैं वो और आज वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना हमारे देश के लिए क्या हो सकती है? इसलिए इस तरह के इनको तो नैतिकता इनकी बनती है कि इन मंत्रियों को इनको इस्तीफा देना चाहिए और ये सरकार आगे चलने वाली।
ऐसा है कि जो पार्लियामेंट जो वहां चल रही है उसमें तो ना तो विपक्ष है और ना सरकार है, वहां तो अमित शाह और मोदी है, और अडानी और अंबानी जो कहेंगे वो भाषा वो बोलेंगे। और ये जो किसान संसद चल रही है, या असली मुद्दा ये है कि जो किसानों की समस्याएं हैं, तीनों जो कृषि कानून है उनको रद्द करवाने के लिए ये किसान पंचायतें आई। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि जब तक MSP की गारंटी नहीं होगी, ये कानून वापस नहीं होंगे, तो किसान दिल्ली के चारों ओर जो बैठे हैं जाने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके चाहतों के कहने पर ये तीनों कानून लेके आए। अब तीनों कानूनों में है क्या? अब कहते हैं मंडी का शुद्धी को वो करेंगे। अब हरियाणा के अंदर तो 15 मंडियां अब गेहूं में बंद थी, वो जहां अडानी के अंबानी के जो गोदाम बने हुए हैं उनमें सीधी कड़ गई है लोगों की। तो इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में बगैर किसी संगठन को, बगैर किसी विपक्ष को पूछे बिना और ये कानून बना के राष्ट्रपति की मोहर लगवा दी। अब कहां विपक्ष? विपक्ष की भूमिका तो इस देश के किसानों को निभानी पड़ रही है, वो तो वहां बोल ही नहीं रहे। अब वहां जो विपक्ष है इसको बोलने नहीं दे रहा, क्योंकि किसानों ने भी जारी कर दिया अपोजिशन को कि संसद का वॉकआउट नहीं करोगे, वह वहां रह करके किसान मजदूर की आवाज उठाओ। अब इससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि आज का कि जो संसद है तो वो संसद भी इसी तरीके से चले जो हमारी किसानों की पैरलस चल रही है, क्योंकि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ये कानून है, तोमर जी कृषि मंत्री कहते हैं कानूनों में काला ही क्या है, तो मैं इस सम्मेलन के माध्यम से कृषि मंत्री से ये पूछना चाहता है, ये बता दी इसमें सफेद ही क्या है, ये तो काला ही काला है। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और आम जनमानस का ये आंदोलन है। जो भी अन्न खाता है किसान अन्न पैदा करता है, अगर किसान अन्न पैदा ही नहीं करेगा तो ये देश क्या खाएगा। इसलिए केंद्र की सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो अन्नदाता है इनको बेइज्जत मत करो। 8 महीने से हम सर्दी में आए थे, गर्मी भी झेली है, और अब जो बारिश का समय, अब भी हमारे जो टेंट जब बारिश आती है भीग जाते हैं, हमारे बिस्तर भी भीग जाते हैं, परंतु आज किसान इस दृढ़ता के साथ आंदोलन के बीच में आया है कि जब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, MSP लागू नहीं होगा। यूपी चुनाव के बाद इस देश की एक मंत्री, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे दूसरे मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, वो सब लोग इस्तीफा देके भागेंगे। और मुझे यहाँ तक के उम्मीद है कि इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ऐसे हालात देश में है, क्योंकि देश के किसानों के साथ ना तो रोजगार, छात्रों को रोजगार है, युवाओं को ना शिक्षा है, और ना गरीब लोगों को कोई सुविधा को जीने के लिए कोई साधन बचा है। आपने बताया BPL राशन कार्ड पर जो 2 लीटर सरसों का तेल मिलता था वो भी ये सरकार बंद कर चुकी है, और जहाँ महंगाई है वो सिर से ऊपर उठ चुकी है। अब जो है ना सांस आना बंद हो चुका है, अब लोग मरना शुरू हो रहे हैं, और जीना इस देश में इस हालात में बहुत खराब हालात में पहुँच चुके हैं, ना कोई स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है। तो किसान जो है लगातार अपनी ताकत के साथ दूसरी समस्याओं को भी अपने साथ लेंगे, छात्रों को भी अपने साथ लेंगे, बेरोजगारों को भी अपने साथ लेंगे, और यूपी के चुनाव में इस सरकार को हम दोहरा दूसरा इंजेक्शन देंगे और हराएंगे, किसान लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार दबाव में है, सरकार पूरे तरीके से दबाव में है, और वो सरकार दिखा नहीं रही है, लेकिन अंदर से सरकार पूरे तरीके से डरी हुई है, पूरे तरीके से भयभीत है। और इसीलिए सरकार की तरफ से एक मंत्री ने कल बड़े ही उकसावे वाला, भड़कावे वाला बयान दिया, क्योंकि सरकार किसानों की एकता, शांति, एकजुटता से डर गई है, तो इसलिए वो पूरा बैकफुट पे है सरकार, और किसान अभी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। देखिए, जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनता,
तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जब तक संसद चलेगा हमारा भी यहाँ पर किसान संसद जारी रहेगा।